मेरी कनेट के लिए, जिला मंडी के लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं सरोजिता परमात्मा से इन्हें निवेदन करती हूँ कि वे इनको जो है वो हमेशा तरक्की बरसे। सभी को नमस्कार। राज के उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कनाड के लिए ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय का छात्र परिश्रम प्रेमी नीट परीक्षा में 720 में से 600 अंक लेकर MBBS में दाखिला लेगा। परिश्रम प्रेमी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई। वह पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक मोटिवेशन का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। Teaching staff, non-teaching staff, and my fellow peers. First of all, I am honored to be here with you, and I would like to thank Principal Sir for giving me an opportunity to be here with you. My name is Rishabh, and I have cleared NEET examination 2023. So I want to share my experience with you. As all of you know, competitive exams or entrance exam in India are considered to be very hard. पर उतना भी मुश्किल नहीं है। मैं आज आपसे अपने एक साल के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई होप कि इट विल हेल्प सम ऑफ यू इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। सबसे पहले, जब भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो आप सब ये सोचते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे यही सोचते हैं कि 18-20 लाख के आसपास बच्चे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड यही सोच के बच्चे डर जाते हैं कि 18 लाख में मैं कहाँ सिलेक्ट होऊंगा। तो मैं आप सभी को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ नंबर पे देखकर इतना डरना नहीं है कि 18 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ मैं भी आपकी तरह एवरेज हूँ। मुझे भी अलग अलग चैप्टर्स में प्रॉब्लम आती हैं, पर उनका ये मतलब नहीं है कि आप किसी में सिलेक्ट नहीं हो सकते। अगर हम बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो मेडिकल स्टूडेंट्स फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं नीट को अपने प्लस टू के बाद, एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स देते हैं IIT JEE के लिए। ये दोनों ही एग्ज़ाम काफ़ी टफ कंसिडर किए जाते हैं हमारी सोसाइटी के द्वारा, बट मुझे लगता है कि इतने टफ नहीं है कि कोई बच्चा ना क्लियर कर सके। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगन होनी चाहिए पढ़ने की, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में जब पैसे का भी मामला नहीं रहा है, आप सारी पढ़ाई अपनी ऑनलाइन कर सकते हैं बिना किसी एक रुपया खर्च किए वगैरह। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी पढ़िए और हमारे स्कूल का नाम रोशन कीजिए। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो नीट या JEE के लिए अगले साल फिल करेंगे फॉर्म्स? कौन कौन है जो नीट या JEE के लिए अगले साल पार्टिसिपेट करेंगे? बताइए।